कटनी जिले में विजयादशमी पर्व पर चौपाटी मैदान में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 51 फीट के विशालकाय रावण का दहन होगा और भव्यता के साथ प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे। आपको बता दें कि मुख्य बाजार चौपाटी में परंपरा अनुसार विजयादशमी के दिन श्री बजरंग उत्सव समिति द्वारा विशालकाय रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी 51 फीट का ऊंचा विशालकाय रावण दहन किया जाएगा। इसके साथ ही चौपाटी मैदान में बकायदा रामलीला का मंचन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। रावण दहन कार्यक्रम में समिति ने इस वर्ष आवागमन के लिए 2 मार्ग का वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया है ताकि दर्शकों की भीड़ से निजात मिल सके और कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालु को सहूलियत हो। यह कार्यक्रम श्री बजरंग उत्सव समिति के द्वारा सन 2017 से आयोजित किया जा रहा है। इसके पूर्व इतना वृहत रावण दहन का कार्यक्रम कटनी में नहीं होता था। कटनी के बाहर लोगों को यह कार्यक्रम देखने के लिए जाना पड़ता था। कमेटी के समस्त सदस्यों के प्रयास से यह वृहत रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाने लगा और लगातार जिस तरह से इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जनमानस और धार्मिक कार्यक्रमों को देखने के लिए जो जनता यहाँ पर उमड़ती है, लगातार यह समिति के लिए एक उपलब्धि भी है और इस शहर के लिए भी उपलब्धि है कि यह कार्यक्रम लगातार आयोजित होता रहे और भी हम इसे वृहद स्तर पर करें, ऐसा हमारा प्रयास। ये एक विशाल आयोजन है, कैमूर में हमारे यहाँ अनादिकाल से होता था मगर दूर होने के कारण कटनी की जनता उसके लाभ नहीं ले पाती थी, जा नहीं पाती थी। रावण दहन को एक मनोरंजन का साधन नहीं, एक व्यवस्था, एक सनातन धर्म की परंपरा और हमारा इतिहास है कि दम्भ को किस तरीके से नष्ट किया जाता है। कभी भी आदमी को दम्भी नहीं होना चाहिए, हमें इससे प्रेरणा मिलती, सीख मिलती है और इसका हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। इसीलिए इसका रावण दहन हर साल किया जाता है कि हम बुराइयों का अंत करें और अच्छाइयों का आत्मसात करें।